प्रणाम, हम चांदनी रहुआ सभी के स्वागत कर रहल बानी अपना प्रोग्राम जरा हटके में। और ये प्रोग्राम में हम रहुआ सभी के बतावे नहीं कुछ ऐसा फिल्म के बारे में, कुछ ऐसा एल्बम के बारे में, कुछ ऐसा स्टार लोग के बारे में, कुछ ऐसा गाना सब के बारे में जौन की भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल बा बहुते खास, सबसे अलग यानी कि जरा हटके। और ये प्रोग्राम में आज हम फिर से हाजिर बानी रहुआ सभी के सामने कुछ ऐसा चटपटा जबरदस्त खबर को ली के लेके जौन की रहुआ सभी हमेशा इंतजार करत रहनी। और इस साथे साथ यो बता दी ही कि जे स्टार लोग बा लोग भोजपुरी के एक्टर एक्ट्रेसेस लोग बा लोग ओनी लोग से जुड़ल हम ए प्रोग्राम में रहुआ सभी के खबर दिखावे नहीं। और यही से ये प्रोग्राम के नाम है जरा हट के, काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना भी स्टार लोग बड़े वो लोग सबसे अलग बड़े, सबसे खास बड़े और बाड़े तनी हट के। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री एगो ऐसा इंडस्ट्री भी आ जरा में मॉडर्न के साथ साथ और ये बहुते सारा मसाला के साथ साथ संस्कार और अपनापन भी देखे के मिलेला। तो चलिए शुरू करे तनी आज के प्रोग्राम के पहला खबर से। तो जन पहला खबर हो जो जोन की सबसे ज़्यादा सुपर हिट खबर है वो खबर ई है कि मेहंदी लगा के रखना 2 यानी कि रवा सभी तो जानते बानी कि काल यानी 27 अप्रैल के मेहंदी लगा के रखना 2 फिल्म के रिलीज कैल गई। अब बिहार आ झारखंड और साथे साथ मुंबई में भी ये फिल्म के बम्पर ओपनिंग मिलल। और इस साथे साथ यो बता दी ही कि बम्पर ओपनिंग के साथ साथ फिल्म के जोन सेट फिल्म के जोन थिएटर को ली रहे सिनेमा हॉल को ली रहे इतना खचा खच भरल रहे लोगन के भीड़ से। और इस साथे साथ काफ़ी लोग तो बाहर भी वेट करत नजर आई ले कि जल्दी से दूसर शो शुरू होकस ये प्रोग्राम ख़त्म होकस तो फिर हम जाएँ अपना टिकट लेके बैठल रहे लोग वेट करत रहे लोग ये फिल्म के। और ए बात से अंदाजा लगाया जा सकेला कि ये फिल्म के लोग कितना पसंद कैले बड़े लोग। और साथ ही साथ ये बता दें कि जब ये फिल्म के ट्रेलर रिलीज भइल रहे तो बहुते लोग पसंद कैले लोग, बहुते लोग एक एकर काफ़ी बड़ाई कैले लोग। और सबसे बड़का बात ये बा कि एक में जो प्रदीप पांडे चिंटू बड़े उनकी काफ़ी छोटा उनका ज़्यादा एज नहीं थे, उनका उम्र ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अच्छा अच्छा स्टार लोग के पछाड़ दिले बड़े अपना एक्टिंग से। और साथ ही साथ ये बता दें कि काफ़ी अच्छा गाना भी गावेलन। खैर ये फिल्म के बारे में देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिसन की रवा सभी जानते वानी कि 27 अप्रैल यानी काल प्रदीप पांडे चिंटू के फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 लगभग सभी सिनेमा घर में रिलीज कैल गई आए फिल्म के बम्पर ओपनिंग भी मिलल बा। बता दी कि फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 शुरुआती दिन से ही चर्चा में रहे और लोग ये फिल्म के काफी समय से इंतजार भी करत रहे। या खुद प्रदीप पांडे चिंटू भी ये फिल्म के लेके काफी उत्साहित दिखाई देते रहे। आ ये फिल्म खातिर 25 अप्रैल से ही एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई रहे जैसन के रवा सभी के बताई गई रहे। खैर फिल्म 27 अप्रैल के जब रिलीज होकल तो सबे सिनेमा घर को लेके नजारा कुछ ऐसा रहा है कि कहीं पर टिकट खत्म हो जाए से लोग उदास दिखाई देले और ये कहीं पर टिकट लेके दूसरे शो के इंतजार करत लोग नजर आई ले। गौरतलब बाकी ये फिल्म से भोजपुरी में एगो नया एक्ट्रेस कदम रख रहल बाड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहल बानी प्रीति ध्यानी जी के जौन की ये फिल्म में एगो आनर लेकी के रोल कर रहल बाड़ी। अब बता दी कि ये जोड़ी के भी लोगन के ढेर सारा प्यार मिल रहल बा। जो भी सिनेमा घर से बाहर आ रहल बा ओनी लोग के मुंह से खाली एक एको शब्द निकला था कि फिल्म बहुत अच्छा बा और ये दोनों के जोड़ी काफी ज्यादा पसंद आई लोगन के। तो जैसन की रवा सभी देखबे कहीं नहीं कि ये फिल्म के कितना बम्पर ओपनिंग मिलल बा और यही से अंदाजा लगाई जा सकेला कि फिल्म एक के दिन में कितना ज़्यादा कमाई कर लेलस। और इस साथे साथ चिंटू और प्रीति के जोड़ी भी लोगन के काफ़ी पसंद आयल। ई कयास लगावल जात रहे कि ये फिल्म के जो पहला पार्ट रहे मेहंदी लगा के रखना जरा में खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के जोड़ी लोगन के काफ़ी पसंद आयल रहे तो ए बात से कयास लगावल जात रहे कि ए फिल्म के जोन मेहंदी लगा के रखना 2 जोन फिल्म बिया एकरा के उतना एकरा में जोन जोड़ी बा प्रीति या चिंटू के एकरा के उतना खासा खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी जैसन जोड़ी जितना प्यार ना मिली, लेकिन ई बात झूठ साबित होखल। एनी लोग के जोड़ी के लोग काफी ज्यादा पसंद कैले। आ सबसे बड़का बात तो ई बा कि प्रीति ध्यानी जी जोन की भोजपुरी इंडस्ट्री में यही फिल्म से अपना कदम रख रहल बड़ी और इतना जबरदस्त अभिनय कैले बड़ी एगो आनंद
आन्हर लैकी के अभिनय कैले बाड़ी। और ई एगो आन्हर लैकी के अभिनय करल कोनो छोट मोट बात नहीं के, काहे कि हम अपना के कैमरा के सामने आन्हर दिखावल ऐसे कोनो आन्हर होकेला तो कोनो बात ना, लेकिन कैमरा के सामने कोनो आन्हर के रोल करल कोई छोट मोट बात नहीं के, बड़ा मुश्किल के काम है। जौन की प्रीति ध्यानी जी ए बात से जता दिली कि वो कितना अच्छा एक्टिंग कर सकेली है, कितना अच्छा अदाकारी उनके अंदर बा। तो चली बढ़ा तनी दोसर खबर के तरफ। जौन अपन दोसर खबर बा वो है खेसारी लाल यादव से ही जुड़ल बा। और जैसे कि सब जानते बानी कि भोजपुरी के सुपरस्टार हवे और बच्चा बच्चा उनका के जाने ला, हर केहू के दिल पर वो राज करे ले। और उनका सबसे बड़का खास बात ई बा कि वो अपना दर्शक लोग के कभी निराश ना करे ले। और जौन उनकर से जुड़ल जौन खबर बा वो खबर ई है कि खेसारी लाल यादव अभी 27 अप्रैल के यानी काले गोपालगंज में स्टेज शो कैले रहे। आ स्टेज शो में लोगन के जबरदस्त भीड़ देखे के मिलल। देखिए हमार खास रिपोर्ट। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आजकल अपना एक्टिंग डांस और गाना खातिर काफी चर्चा बटोर रहल बाड़े। आ ए बार भी उनका से जुड़ल एगो बहुते बड़ा खबर आ रहल बा। जैसन कि रउआ सब जानते बानी कि अभी हाले में 27 अप्रैल के गोपालगंज में खेसारी लाल के एगो स्टेज शो रहे, जेकरा में भोजपुरी के काफी नामी सितारा लोग भी शामिल होखले। आ लोगन के भीड़ तो रहबे करल, ज्यादा से ज्यादा लोग ओइजा पहुंचल रहले हा। बता दी कि ऐसे तो ऐजा काफी लोग पहुंचले रहले हा, लेकिन खेसारी लाल जैसे ही स्टेज पर एंट्री कैलन पूरा इलाका लोगन के शोर से गूंज उठल। काफी झूमे लगले लोग। आ लोगन के इच्छा के सम्मान भी खेसारी लाल कैले, वो अपन फेमस गाना कुली भी गैले और डांस भी खूब कैले, जेकरा के देख के लोग काफी ज्यादा गदगद रहले लोग। हालांकि ए बात में कोनो शक नहीं के कि खेसारी लाल यादव एगो अच्छा एक्टर के साथ साथ एगो अच्छा गायक भी बाड़े, अपना फैंस के बहुते सम्मान करे ले। आ अगर बात कैल जाए स्टेज शो के तो ओकरा में भी खेसारी के केहू पछाड़ ना सकेला। और ये शायद ये सब कारण बाकी लोगन के दिल पर खेसारी राज करे लिया भोजपुरी के सुपरस्टार बाड़े। तब देखनी रहुआ सब है कि कैसे खेसारी लाल यादव अपना स्टेज शो में गर्दा उड़ा दिले। और ये उनका से हमेशा ये उम्मीद कैल जाला कि वो कोनो फिल्म में चाहे कोनो एल्बम में चाहे कोनो गाना में हमेशा दर्शक लोग खातिर कुछ नया लेके आवत रही है। और ये वो हमेशा दर्शक लोग के उम्मीद पर खरा उतरबो करे ले। यही से वो खेसारी लाल यादव और भोजपुरी के सुपर स्टार भी कहल जाए ले। चली बढ़ा तनी एकरा से अगला खबर पर। और अगला खबर भी जौन बा वो खेसारी लाल यादव से ही जुड़ल बा। रुआ सब जानते बानी कि वो हमेशा कोनो ना कोनो बात के लेके चर्चा में बनल रहे ले। लेकिन अभी जो खबर ई जो खबर बा बहुते तनी दुखद बा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बा। लोगन के गर्व महसूस होकी उनका ऊपर जो उनकर फिल्म आवे वाला भी है दबंग सरकार, ओकरा में वो एगो शूटिंग के दौरान घायल हो गईलन। घायल कैसे होकलन कि वो जो एगो शूटिंग के दौरान उनकर एगो एक्शन सीन शूट होकत रहे और ओकरा में वो पहिया के कोनो रोल रहे और पहिया से ही उनका के चोट लागल, जेकरा से वो घायल हो गईले। और उनकर जो जौन डायरेक्टर बाड़े वो उनकर काफ़ी ज़्यादा बड़ाई करत रहले एकरा बाद भी। तो देखिए एकरा बारे में कि काहे वो बड़ाई करत रहले हा, ये खास रिपोर्ट देखी। भोजपुरी इंडस्ट्री से एगो बहुते बड़ा खबर निकल के आ रहल बा। खबर ई बा कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव फिल्म के शूटिंग के दौरान घायल हो गई ले। आ ई कोनो फिल्म के सीन नहीं के बल्कि ई बात सच बा। बता दी कि फिल्म दबंग सरकार के सेट पर जब खेसारी लाल के एगो एक्शन के सीन शूट कइल जात रहे, तबे एगो पहिया आगे खेसारी लाल से टकरा गई, जेकरा से खेसारी लाल घायल हो गई ले। फिल्म के निर्माता योगेश राज मिश्रा बतैले कि हमनी के लागल कि अब शूटिंग रोके के पड़ी, लेकिन खेसारी लाल जी के तारीफ करे के पड़ी कि चोट लागे के बाद भी खेसारी कहले कि फिल्म के शूटिंग जारी रखा लोग। आ खेसारी के ई बात सुन के हमनी के भी हिम्मत काफी बढ़ गई, फिल्म के शूटिंग फिर से शुरू कर गई। रवा सभी के बता दी कि खेसारी लाल जितना भी फिल्म कुली में काम करे ले और फिल्म कुली के जो निर्माता लोग बाड़े वो लोग खेसारी के बड़ाई करत ना था अकेले। जैसन की रवा सब देखनी कि खेसारी लाल यादव ऐसे ही सुपरस्टार नहीं खन भोजपुरी के, उनका के कितना कुछ सहे के पड़ेला। ओकरा बाद इतना कुछ सहे के बाद अपना दर्शक और फैंस लोग के सामने एगो जबरदस्त मिसाल कायम करेलन। और यही से वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहल जाए ले और ये सब लोग के दिल पर राज करे ले। तो चलिए आज के हमारे प्रोग्राम में इतना ही। और अगला बार हम फेरू अपना प्रोग्राम जरा हटके में कुछ खास खबर लेके आए जौन की
भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल बा। अब बा बहुते खास और बहुते अलग यानी कि सबसे हटके। तो तब तक खातिर हमरा के दी इजाजत और वह सभी देखत रही नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई।